गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जो कि हम लोग किसी भी कहीं भी पढ़ते हैं, 11th 12th साल डिप्लोमा ITI BTech सब में मिलता है। तो हम लोग जानेंगे किस तरीके से हम लोग बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में कोई अपडेट आया कि नहीं। 2022 वाले को तो मिल गया, 2022-23 सेशन को नहीं मिला, 2021-22 सेशन को मिल चुका है। तो हम बिहार स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के साइट पर गए, खोले BMS.PMS सर्च करेंगे, BMS.scholarship तो वो आ जाएगा, बिहार पोस्ट मैट्रिक के स्कॉलरशिप का साइट। यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि अभी कोई अपडेट नहीं आया है 2022-23 के लिए। यहाँ 2021-22 के लिए जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे वहाँ पे बता रहा है लिस्ट ऑफ फाइनलाइज्ड स्टूडेंट, वेरीफाई योर एप्लीकेशन स्टेटस। अभी जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो वेरीफाई करने के लिए, और फाइनलाइज स्टूडेंट का जो 2021-22 सेशन में हुए थे उसका दिखा रहा है आपको। मैं दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे अभी देखिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है 2022-23 के लिए। आप लोग को ये मैं बता देता हूँ कि जो जो इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं वो लोग आप बना के रख लीजिए, क्या कि पिछले साल अगस्त में ही लॉन्च कर दिए थे बिहार सरकार ने PMS स्कॉलरशिप का डेट, इस बार सितंबर तक में करेंगे। तो आप लोग जाति आय आवासीय तीनों चीज़ बना लीजिए, करंट 6 महीना तक वैलिड रहता है ये तीनों चीज़, तो आप लोग इस चीज़ को बना लीजिए। और देखिए यहाँ पे कोई अपडेट नहीं आया है, और आप लोग देख सकते हैं PMS स्कॉलरशिप के साइट को कैसे चेक किया जाता है। PMS.scholarship सर्च करेंगे गूगल पे तो वो आ जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा हूँ मैं, कहीं पे नहीं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑल स्टूडेंट शुड कैटेन अकाउंट इन करेंट अकाउंट डिटेल्स ऑन पोर्टल बिफोर 21-1-22 में 21-1 को इस तरीके से बता रहा है वो। यहाँ देखिए 2019-20 रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट 2019-20 21 रजिस्ट्रेशन, थैंक यू फॉर।